हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे हमें एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। अभी जून 2021 में जो सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जामिनेशन होने वाले, उनकी एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी है। उनकी एग्ज़ाम डेट्स आने के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस चालू हो चुका है। जो भी एग्ज़ाम डेट्स है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, एक बार उसको देख लेना। इस वीडियो में हम बात करते हैं जून 2021 एग्जामिनेशन के लिए हमें कैसे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। ठीक है, प्रोसेस देखो सेम होता है, चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो जून 2021 हो, चाहे वो दिसंबर 2021 हो, चाहे वो 2022 हो, प्रोसेस सबका सेम होता है। पर फॉर नाउ जो डेट्स आई है वो आई है जून 2021 एग्जामिनेशन की, और उनके एग्ज़ाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें smash.icsi.in लिखना है। क्या लिखना है? जो भी हमारा ब्राउज़र है, चाहे वो लैपटॉप का हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो डेस्कटॉप का हो, चाहे वो हमारे फ़ोन का हो, हमें उसमें smash.icsi.in लिखना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें देख लेना। हमने उस लिंक पर क्लिक करा, उसके बाद हमें अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने हैं। कौन से यूज़र आईडी पासवर्ड डालने हैं? देखो, दो यूज़र आईडी पासवर्ड होते हैं। एक, जब तुमने सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा होगा तब आईसीएसआई ने तुम्हें भेजा होगा, और दूसरा 10 से लेके 15 दिन बाद टीसीएस का लॉगिन आईडी पासवर्ड भेजा होगा। वो जो टीसीएस का लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है वो तो हमारे एप्लीकेशन के लॉगिन अंदर लॉगिन करने के काम आता है, जिसके अंदर अपना प्री टेस्ट देते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। हमें इसके अंदर फर्स्ट वाला यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है। जब हमने सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करा था, जब जो यूज़र आईडी पासवर्ड आया था, हमें वो इसके अंदर डालना है, टीसीएस वाला नहीं डालना। टीसीएस के अलावा जो लॉगिन आईडी पासवर्ड था वो हमें इसके अंदर डालना है। लॉगिन आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, और ये जो वेरिफिकेशन कोड होता है इसको हमने फिल कर दिया। इसको करने के बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना है। काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉगिन आईडी डाल दी, पासवर्ड डाल दिया, वेरिफिकेशन कोड डाल दिया, इसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। मैंने पासवर्ड गलत डाला था इसलिए वो फर्स्ट टाइम में इनवैलिड पासवर्ड डाला, पर तुम ढंग से डालना पासवर्ड। ठीक है, इसके बाद तुम्हें मॉड्यूल पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है? मॉड्यूल पर क्लिक करना है। इसके बाद तुम्हें किस पर क्लिक करना है? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे, सॉरी एनरोलमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले मॉड्यूल पर क्लिक करना है, उसके बाद एनरोलमेंट पे क्लिक करना है, उसके बाद जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इस ड्रॉप डाउन के अंदर, दैट इज एग्जामिनेशन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट, इस पर तुम्हें क्लिक करना है। काफ़ी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तुम ऐड एनरोलमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे, उसके बाद तुम स्टेप्स फॉलो करोगे, तुम्हारा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने से पहले तुम्हें प्री टेस्ट क्लियर करना होगा। जिस भी मॉड्यूल को तुम जून 2021 में अटेम्प्ट करना चाहते हो, उसका प्री टेस्ट तुम्हें वो जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जाके क्लियर करना होगा, तभी तुम उस मॉड्यूल का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर पाओगे। प्री टेस्ट भी क्लियर करना होगा, और ये ओरिएंटेशन होता है वो भी क्लियर करना होगा, तभी जाकर तुम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर पाओगे। तो जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट्स है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसको देख लो। उस पीरियड के अंदर सबसे पहले ओरिएंटेशन कर लो, पहले कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं करा तो अपना ओरिएंटेशन कंप्लीट कर लो, अपना प्री टेस्ट कंप्लीट कर लो, जो भी तुम मॉड्यूल देना चाहते हो। अगर तुम दोनों मॉड्यूल देना चाहते हो तो दोनों मॉड्यूल का प्री टेस्ट कर लो, अगर तुम एक मॉड्यूल देना चाहते हो कोई सी भी तो उसका प्री टेस्ट कर लो। उसके बाद जो मैंने इस वीडियो के अंदर प्रोसीजर बताया एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का, वो तुम फॉलो कर लो, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ ऐड एनरोलमेंट पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद तुम्हें थोड़ी डिटेल्स डालनी है, तुम्हें पेमेंट करना है। जो भी तुम्हें मॉड्यूल देनी है उसका एग्ज़ाम फॉर्म का पेमेंट होता है। जितनी बार तुम अटेम्प्ट करोगे एग्जामिनेशन, जैसे तुमने जून में अटेम्प्ट करा, उसके बाद तुमने दिसंबर में अटेम्प्ट करा, तो दोबारा दिसंबर में एग्ज़ाम फॉर्म का पेमेंट करना होता है। जितनी बार तुम एक बार एग्जामिनेशन तुम देते हो उतनी बार तुम्हें एग्ज़ाम फॉर्म की जो फीस होती है वो देनी होती है। तो ऐड एनरोलमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे, डिटेल्स डालोगे, अपनी मॉड्यूल सेलेक्ट करोगे, पेमेंट करोगे, तुम्हारा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उस पर अपडेट्स आती रहती है। अब जैसे मैंने कहा एग्ज़ाम फॉर्म की डेट्स, वो मैंने ऑलरेडी 3-4 दिन पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दी थी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, क्योंकि जितनी सीएस जर्नी में तुम्हारी जितनी सीएस जर्नी में अपडेट्स आएगी इस चैनल पर हम वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।